ईमेल वाले जब भी बात करते थे, और गांधीयंस भी ऐसे ही होते थे, वो सबसे पहले सवाल उठाते थे कि हिंसा और अहिंसा का, और ये भी सबसे पहले ये सेटल करना चाहते थे कि हिंसा और अहिंसा पे क्या राय है, और वहीं पे बात टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि जो हिंसा के पक्ष में थे, हाँ हाँ, वो ज्यादा फॉरवर्ड माने जाते थे। नहीं, हाँ। फॉरवर्ड, हाँ, वो तो थोड़ा माहौल था इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा रहा, हाँ। लेकिन वो बात इसलिए नहीं, वो दोनों इतने पक्के होते थे कि अगर आप अहिंसा पे अडिग रहेंगे तो उतने ही हम भी इस पे अडिग हैं कि ऑर्गेनाइज। अच्छा, ये हिंसा मतलब ये कोई भी व्यक्तिगत हिंसा वाले लोग नहीं थे, मारपीट वाले कोई नहीं थे। अच्छा, इनफैक्ट इनकी जब राइटिश लोगों के साथ झगड़ा होता था तो हमेशा ये मार खा जाते थे, क्योंकि बदमाश टाइप के हुआ करते थे बहुत से दूसरे, हाँ, राइट वाले, हाँ, हाँ, तो ये मार खा जाते, ये मारपीट करने वाले कोई नहीं थे। लेकिन सोशल चेंज में ऑर्गेनाइज फोर्स का इस्तेमाल होना, हिंसा उसे आप कहिए या ना कहिए, फोर्स का ज्यादा इस्तेमाल अंग्रेजी बहस में हुआ है, वायलेंस का कम हुआ है इन बहसों में। तो ऑर्गेनाइज्ड तौर पे फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे वो हटने के लिए तैयार एकदम नहीं होते थे। 74 में जब ये 75 ना बिहार आंदोलन जी, जयप्रकाश नारायण जब नेतृत्व में आ गए तो उनकी और बहुत सी खूबियों की वजह से वो आंदोलन जैसे चला वो चला आगे उनके लीडरशिप में, लेकिन स्टूडेंट्स लगभग सभी 25 साल की उम्र के नीचे रहे होंगे, 17, 18, 20, 25 तक के थे। इनसे कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करा पाई सरकार, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये आज तक एक्नॉलेज्ड है, क्योंकि 25 साल से कम की उम्र वालों से वायलेंट एक्टिविटी कराना बड़ा आसान है। उनको प्रोवोक कर दीजिए वो मारपीट पे आ जाते हैं, तो गाली बक दीजिए वो मारपीट पे आ जाएंगे। कि जेपी की लीडरशिप में, तो मुझे ये लगता था कि मतलब ये पहला सवाल क्यों होना चाहिए, हिंसा करेंगे या अहिंसा के मार्फत ही जाना होगा, ये किसी भी सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक पहल के का पहला सवाल क्यों होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, पहले सवाल होगा, या क्या मेथड आप अपना रहे हैं, वो भी होगा लेकिन किस लिए, तो ये सवाल मेरा सुलझा नहीं। संदर्भित जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसने पावर को पावर ओवर अदर्स के रूप में समझा, और स्ट्रेंथ को टू बी एबल टू डू समथिंग और टू बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू, उस रूप में स्ट्रेंथ को समझा। अगर आपको एक दूसरी इकोनॉमिक्स बनानी है और एक आपको दूसरा राज्य बनाना है, अलग किस्म का राज्य बनाना है, स्वराज अगर आपको बनाना है, तो साइंस आपके कर्तव्य में सबसे बड़ी बाधा है, आपको लोक विद्या की पुनर्प्रतिष्ठा का काम करना पड़ेगा। 1995 में एक बैठक की इस पूरे मजदूर किसान नीति समूह की, और भी नए लोग थे और देश के तमाम शहरों से और जिलों से आए थे लोग, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोगों ने फिर लोक विद्या नाम दिया कि हमको लोक विद्या आंदोलन, मतलब इस नाम से काम शुरू करना चाहिए, जो जिसकी बड़ी पहचान है, मुख्य पहचान ये रही कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो यूनिवर्सिटी में नहीं गए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े समाज हैं इस देश में और उनके पास ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान के भंडार को हम लोग लोक विद्या कहें, और इस लोक विद्या के बल पर समाज में परिवर्तन के रास्ते खोजे, उसकी एक राजनीति को आकार देने में हम लोगों को लगना चाहिए। तो ये वहां तक पहुंचने की यात्रा रही हम लोगों की। ये हिंसा किस तरह से होती है कि धीरे धीरे आपका अस्तित्व ही खत्म करती है, जैसे ठेली पटरी वालों को शहर में नहीं रहने देंगे, नए ढंग का बनाए। अब ये तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों से पूछे तो कहेंगे अच्छा ही तो है, पर ये एक तरह की हिंसा है, ये नहीं दिख रहा, क्योंकि आप व्यवस्थित ढंग से उनके परिवारों को, उनके समाजों को आपके इसमें से हटा रहे हैं, मनुष्य को ही नहीं हटा रहे, उसके ज्ञान को भी मिटा रहे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरी संस्कृति में इस विद्या का
उसको ही हाफ करता है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, हिंसा है। इसी तरह से आदिवासियों को मिला, इसी तरह से किसान आंदोलन यही कह रहा है जो अभी हाल ही में हुआ अलवर में। तो ये एक बहुत व्यवस्थित ढंग की हिंसा है और इसका जवाब ढूंढना है। हमें लगता है कि हमारी संत परंपरा में इसका जवाब है और गांधी जी ने इसी प्रेरणा के चलते स्वराज की जो समकालीन कल्पना करके सामने लाई है उसको आज की परिस्थिति में हमको मतलब सोचना होगा कि उसके बुनियाद में क्या हो। तो ये स्वराज की बात है, स्वराज की बात तो इस धरती की बात है। इस स्वराज का क्या मतलब 21वीं सदी में लगता है? वो अपने को एक समाज के रूप में देखता है। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि उसके पास समाज का एक कंसेप्ट है, जिस अर्थ में वो अपने को एक समाज के रूप में देखता है। ये समाज इसेंशियली नॉन वायलेंट है, हम ये कहना चाहते हैं। अहिंसा इस समाज की एक वैल्यू है और ये समाज आपसी रिश्ते पे हायरार्की नहीं देखते हैं। हायरार्की है मॉडर्न सोसाइटी में, वो हायरार्की रीइंफोर्स हो गई है बड़े पैमाने पे, कि स्वराज वो व्यवस्था होगी जिसमें समाज की ये समझ होगी कि हमको साथ रहने के ज्ञान का विकास करना है। क्या मतलब? तो साथ साथ सह सहजीवन की, फिर से कहिए, साथ रहने का ज्ञान विकसित करना है, बाकी अज्ञान है।